हेलो, कंट्री प्रोफाइल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन यूके। आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप कंट्री ढूंढ रहे हो कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करूं, तो यूके इज द बेस्ट ऑप्शन। आप यूके में एक्सपोर्ट कर सकते हो और यूके के अंदर इंडियन प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड है। वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप यूके में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि जो ब्रिटेन है, यूके को ब्रिटेन भी बोलते हैं, और जो ब्रिटेन है उसका ब्रेग्जिट हो गया, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर यूके था, अब यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा है, वो जो है ब्रेग्जिट हो गया, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। इसका क्या मतलब है? पहले यूके यूरोपियन यूनियन में था। कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल या जो है इंटरनेशनल बिजनेस के रूल, जो EU यूरोपियन यूनियन का जो रूल था, वो यूके को फॉलो करना पड़ता था। बट अभी ब्रेग्जिट होने के बाद जो है यूके के अपने कस्टम के रूल है, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको बता दूं, इंडिया और यूके का दोस्ती बहुत गहरा है, और यूके ने जो है बेस्ट बिजनेस पार्टनर के अंदर जो है इंडिया का नाम शामिल किया, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे जाके यूके के साथ हमारे बहुत सारे बिजनेस एग्रीमेंट भी होने वाले हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। हमारी गवर्नमेंट जो है यूके की गवर्नमेंट के साथ बात करी, जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो यूके के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में है कि बिजनेस बढ़े हमारा, यूके के साथ हमारा बिजनेस बढ़े, तो अच्छी बात है। और यूके के पास बहुत ही अच्छा परचेजिंग पावर है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम जितना इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं उसका 2.90%, मतलब अराउंड 3% हम यूके को एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब इंडिया से 100 रुपीज का गुड्स एक्सपोर्ट होता है, तो 3 रुपीज का जो है गुड्स जो है यूके में एक्सपोर्ट होता है, तो बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है यूके। यूके के अंदर एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी क्यों है? सबसे अच्छी बात है उसका पर कैपिटल इनकम, वहां के लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी, और यूके जो है 6th largest टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एंड लंदन हैज द मोस्ट इंटरनेशनल विजिटर ऑफ एनी सिटी इन द वर्ल्ड। तो वहां पे दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। मैं आपको बता दूं, गोल्ड का जो प्राइस होता है वो भी लंदन के अंदर तय होता है। तो यूके जो है सबसे बढ़िया बिजनेस के लिए प्लस टूरिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। तो वहां पे लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, तो वहां पे जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो आप जो है इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप कौन सी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैं यहां पे आपको डिटेल में बताता हूं। तो इंडिया से यूके में प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन एक्सपोर्ट होते हैं, फर्नीचर, बेडिंग एंड मैट्रेसेस एक्सपोर्ट होते हैं, वो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, आर्टिकल ऑफ स्टोन, प्लास्टर एंड सीमेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं, वुडन आर्टिकल जो है वो सारे आर्टिकल्स एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है कारपेट्स एंड अदर टेक्सटाइल फ्लोरिंग एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है शुगर एंड शुगर कन्फेक्शनरी जो है एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वुडन एंड आर्टिकल ऑफ द वुड और चारकोल भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, यूके बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, खुद भी वहां पे एक्सपोर्ट करता हूं, अच्छा डिमांड है। लेदर आर्टिकल से वुडन आर्टिकल है, होम डेकोर है, फर्नीचर है, और जो है कॉपर आर्टिकल से वो सब प्रोडक्ट का अच्छा डिमांड है, गारमेंट है इसका अच्छा डिमांड है, आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिश एक्सपोर्ट होती है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो है इंडिया यूके के अंदर अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ अपेरल एंड क्लोथिंग एंड एसेसरीज, यूके के अंदर अच्छा वाला गारमेंट एक्सपोर्ट होता है, तो आप गर्म कपड़े बोलते वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, कॉटन के कपड़े होते वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, ट्रेडिशनल क्लोथ है वो आप यूके के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी प्रोडक्ट है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, तो देखिए मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई है कंट्री के हिसाब से, तो सारे वीडियो आप दो दो बार देखिए आपको सीखना है तो प्रैक्टिकली लर्न करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, ट्रांसपेरेंट नॉलेज देना, कि ऐसा हो जाएगा नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी ग्राउंड पे क्या है, तो ट्रांसपेरेंट नॉलेज देना, नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन नॉलेज। नेक्स्ट है फुटवेयर, बहुत ही अच्छा फुटवेयर जो है यूके के अंदर एक्सपोर्ट होता है, तो आपका प्रोडक्ट है फुटवेयर तो आप यूके के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं भी स्टैटिस्टिक बात कर रहा हूं, मैंने इससे पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाया है जिसमें कि फुटवेयर जो है यूके के अंदर अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। प्लास्टिक एंड आर्टिकल ऑफ द प्लास्टिक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिकल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और अभी कोविड की वजह से फार्मास्यूटिकल की बहुत ही अच्छी डिमांड है, तो ये प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आयरन एंड स्टील की जो प्रोडक्ट्स है, एल्यूमिनियम सेक्शन है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। रोड व्हीकल एंड अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पेपर, पेपर बोर्ड, आर्टिकल ऑफ द पेपर एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग, लिख लो एक अच्छी प्रोडक्ट लिख लो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग आप यूके के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है इको फ्रेंडली पैकेजिंग, एंड ये जो प्रोडक्ट मैंने बताई है सारी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हो रही है, तो आप ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट
कर सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, सर मैं स्मॉल बजट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं बिगिनर हूं, तो मैं कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं और मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो आप स्मॉल बजट में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकली बताता हूं कि ये जो प्रोडक्ट आप स्मॉल बजट में यूके या दुनिया के अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें आता है परफ्यूम्स आता है, नेक्स्ट आप अम्ब्रेलाज एक्सपोर्ट कर सकते हो, सन अम्ब्रेलाज एक्सपोर्ट कर सकते हो, वॉकिंग स्टिक जो आता है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी डिमांड है। फिर क्लोथिंग में आप स्मॉल बजट में क्लोथिंग, ट्रेडिशनल क्लोथ हो गया, स्पेशलाइज्ड क्लोथ हो गया, इको फ्रेंडली क्लोथ हो गया, वो आप कम बजट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉफी टी एंड पाइसिस जो है अच्छा डिमांड में है, वो भी आप कम बजट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सोल्ट हो गया, सिल्क हो गया एंड सीरियल्स हो गया, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल बाय एयर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जनरली यूके क्या है, इंडिया से लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो बाय सी जो है वहां पे फिजिबिलिटी नहीं है, बट बाय एयर आपको बता दूं मैं, यहां पे जो लेडी फिंगर ओकरा बोलते हैं वो यहां पे 50 रुपीज किलो है यूके के अंदर। मैं आपको बताऊं, मेरे स्टूडेंट एक यूके में, उसने मुझे बताया कि सर यहां पे ओकरा 500 रुपीज किलो पे बिक रहा है। कितना? 500 रुपीज किलो पे ओकरा बिक रहा है। तो जो यहां से वहां जाने का बाय एयर में अगर 200 रुपया भाड़ा भी लग जाए, फ्रेट भी लग जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 का प्रोडक्ट 200 रुपीज जो है फ्रेट लग गया, 300 रुपीज, 100 रुपीज आप कमाओगे, 100 रुपीज बाहर कमाएगा, तो वहां पे 500 में बिकता है। तो प्रैक्टिकल चीज है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कई लोग आते हैं सर वहां पे फिजिबल कैसे होगा, 50 रुपीज का प्रोडक्ट किलो है और 200 रुपीज उसका फ्रेट लग जाएगा। लेने वाले को सब परवड़ता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बेच सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप इंडियन यूटेंसिल्स एंड कटलरी, तब इंडियन यूटेंसिल्स एंड कटलरी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉपर आर्टिकल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कॉपर के बर्तन। देखिए वहां पे क्या है, पैसा है तो लोगों को महंगी चीजें चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहां पे महंगी चीजें चलती है, क्वालिटी प्रोडक्ट चलती है, तो महंगी चीजें क्वालिटी प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपको महंगी प्रोडक्ट की बात करूं तो हैंडमेड जो भी प्रोडक्ट रहता है वो महंगा रहता है, तो हैंडमेड आप क्लोथ एक्सपोर्ट कर सकते हो, हैंडमेड साड़ीज एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर हैंडमेड जो है लाइक बाम्बू के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, हैंडमेड जो है आप कॉपर के आर्टिकल एक्सपोर्ट कर सकते हो, हैंडमेड जो आप वुडन के आर्टिकल एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कोई भी चीज जो हैंडमेड बनती है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। महंगा भी रहता है और वो लोगों को पसंद है, वो चीजें पसंद है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास परचेसिंग पावर है, तो वो लोग हैंडमेड चीजें पसंद करना चाहते हैं। हैंडमेड से शॉप एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आप रेडी टू ईट फूड एंड ग्रोसरीज भी कम बजट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो सारी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि जिसके पास पैसा है उसका हॉबी क्या है, शॉपिंग। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यूके वुमन स्पेंड 7 बिलियन अ ईयर ऑन क्लोथिंग एंड शूज। तो वहां पे क्या, जो लेडीज वहां पे है बहुत सारे कपड़े बाय करते हैं, बहुत सारे शूज वगैरह बाय करते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है और वो बाय करते हैं। तो ये जो सारी प्रोडक्ट है आप यूके के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी। यूके के अंदर मेजर पोर्ट कौन से है, तो फेलिक्सटो करके पोर्ट है, यूके का सबसे बड़ा पोर्ट है। यूके के अंदर जितना इंपोर्ट होता है उसमें 48% सिर्फ फेलिक्सटो पोर्ट के ऊपर आता है। उसके बाद पोर्ट ऑफ लंदन है, पोर्ट ऑफ लिवरपूल है, पोर्ट ऑफ साउथहैम्पटन है, तो ये सारे जो है बड़े बड़े पोर्ट्स यूके के अंदर है। आप यूके के अंदर जो है बाय ढूंढना चाहते हो कि सर मैंने गारमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब यूके में एक्सपोर्ट करना है, वहां पे अच्छी डिमांड भी है, अब मुझे वहां पे बायर चाहिए, तो मैं बायर कैसे ढूंढू, तो मैं आपको बता दूं वहां पे बायर कैसे ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आप ब्रिटिश चैंबर ऑफ कॉमर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। यूके के अंदर बहुत सारी चैंबर ऑफ कॉमर्स है, लंदन चैंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, ब्रिटिश चैंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, लिवरपूल चैंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, बहुत सारी चैंबर ऑफ कॉमर्स वहां पे है, तो आप उसका कांटेक्ट कर सकते हो और जो इंपोर्टर्स है उसका लिस्ट वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी इन यूके, तब इंडियन एम्बेसी इन लंदन या इंडियन एम्बेसी अदर सिटी में भी है, वहां पे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और आपकी प्रोडक्ट के जो है बायर वहां से मांग सकते हो, तो आपको अच्छा लिस्ट हमारी इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी मिल जाएगा। थर्ड वे है, यूके के अंदर आप एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो गारमेंट्स, तो गारमेंट का जो भी एग्जीबिशन होता है यूके के अंदर वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और बायर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है B2B वेबसाइट। यस, यूके के अंदर जो B2B वेबसाइट है वहां पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहां से भी आप लिस्ट निकाल सकते हो जो इंपोर्टर्स है, जो डीलर है, जो होलसेलर है, और उसे अप्रोच करके जो है डील डन कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मैं बात करूं कि इंडिया के जो यूके के साथ पॉलिटिकल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं और बिजनेस रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, और यूके और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है और भी मजबूत होती जा रही, तो इंडियन एक्सपोर्टर को बहुत ही फायदा होने वाला है, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन
ऑप्शन से बिजनेस कैसे करना, बिजनेस सीखना चाहते हो इंटरनेशनल बिजनेस, तो आप मेरा एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं खुद ही सिखाता हूं और 100% सिखाने का गारंटी। और हमारे स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया, उसमें एक्सक्लूसिव वीडियो जो यूट्यूब पर नहीं रहेगा, इनसाइड बातें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट के वीडियो भी मिलेंगे जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं, उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें आती है, जो प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रोसेस होता है कि बाहर को डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, पैकिंग कैसे करना है, उसका भी प्रैक्टिकल वीडियो जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर है, तो आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन है मुझे लाइव पूछ सकते हो, पूरा प्रैक्टिकली सीख सकते हो। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यहां दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।